वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। मेरठ कॉलेज में हुई फायरिंग और कार्तिक हत्याकांड के बाद मेरठ में एक बार फिर छात्रों के बीच संघर्ष। थाना लालकुर्ती सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज के बाहर का मामला है, जहां जरा सा कंधा टकराने को लेकर छात्रों के बीच संघर्ष हो गया, जिसमें कई राउंड फायरिंग की गई। इस संघर्ष कई दिनों से चल रहा था, जिसके चलते छात्रों के परिजन समझौते के लिए आए थे, लेकिन असामाजिक तत्वों ने उन पर सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज के बाहर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद परिवारजनों ने कॉलेज के अंदर जाकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 6 से ज्यादा आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और कई बदमाश मौके से फरार भी हो गए। यहां पर बड़ी बात यह है कि मारपीट और विवाद कई दिनों से चल रहा है, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी। देखिए घटना की कुछ तस्वीरें। पुलिस अधीक्षक ने इस बारे में यह जानकारी दी। इस दौरान मामला शांत कराने आए एक छात्र के पिता कमल प्रजापति ने यह बताया। क्या नाम है आपका, क्या घटना हुई है यहाँ पर? मेरा नाम कमल प्रजापति है, मेरा बच्चा यहाँ पढ़ता है 10th क्लास में, और 10th क्लास में दूसरा बच्चा है दूसरे सेक्शन में। उसने जो है अभी 15 दिन पहले से झगड़ा चल रहा है इनका, और कल जो है करीबन 20-25 लड़के बुलाए, उसको पीटा, हाथ पैर तोड़े, उसके सिर में गुल्ले पड़े। मैंने टीचर को दिखाया, कल दिखाया बच्चे ने, तो टीचर को मैंने मेरी बात हुई और टीचर से मैंने फ़ोन किया, तो वो कहने लगे पुलिस में रिपोर्ट मत कराना, सीधा कॉलेज आ जाना। कॉलेज प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है? जी हाँ जी, लापरवाही है। टीचर ने कहा कि कॉलेज आ जाना, मैंने ठीक है जी, अब हम लेके आए तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पे। आज क्या घटनाक्रम हुआ? आज हमारे सामने ये हुआ कि हमने अपने परिवार को बुलाया, हम सब लोग यहाँ आए मौजूदगी पे, यहाँ हमने 11 बजे आए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जो है हमने यहाँ पे आके देखा तो यहाँ करीबन 30 लड़के थे जो फायर किए, उनमें मौके पे जो है दो लड़के पकड़े गए हैं, सिकेड़ा गांव के हैं वे, और पुलिस प्रशासन फायरिंग करने वाले हैं। नहीं, स्कूल ड्रेस में नहीं थे वे, वैसे ही थे गाँव के लड़के। तो आप अंदर से जब बाहर आए, कॉलेज से जब बाहर हुआ? हाँ जी, हाँ जी। आपके बच्चों पे गोली चलाई है? हाँ जी, गोली हमारे बच्चों पे ही तो चलाई है। किसी को लगी तो नहीं? नहीं, किसी को लगी नहीं है, बाकी वे सब भाग गए, दो लड़के उनमें से पकड़े गए मौके पे। सब अंदर घुस गए। अब पुलिस को हमने फोन किया, जब आई पुलिस यहाँ पे, जब गोली चली थी, आप लोगों ने कैसे अपनी जान बचाई? हमने स्कूल में अंदर जाके जान बचाई अपनी। सब सेंट जोसेफ के ही हैं बच्चों? जी, सब सेंट जोसेफ के ही हैं। बाकी जो नाम है जिनसे लड़ाई थी बच्चों की? बच्चों के नाम, मेरे बेटे का तो पीयूष प्रजापति है, और एक वंश है, एक हर्ष है। जिनसे लड़ाई है वो दूसरा पक्ष कौन है? दूसरा कौन है उसका नाम मुझे पता नहीं है, बाकी उसको पुलिस ने ले लिया। एएसपी विवेक चौधरी ने इस बारे में यह जानकारी दी। सर, सेंट जोसेफ स्कूल पहुंचे हैं, क्या घटना है, क्या अभी तक इन्वेस्टिगेशन? देखिए, यहाँ पे हम लोग को जानकारी मिली थी कि विद्यालय के ही बच्चों में आपस में कुछ झगड़ा हुआ है, तो उसी के संबंध में यहाँ जानकारी करने पहुँचे हैं। तो जानकारी ये हुई कि कुछ दिनों पूर्व 10वीं क्लास के ही कुछ बच्चों में आपस में कंधा टकराने की वजह से कुछ मनमुटाव, वाद विवाद हो गया था, और उसमें इनकी बातचीत भी हो गई थी, लोगों ने एक दूसरे से माफ़ी भी मांग लिया था, लेकिन आज शायद उसी मुद्दे को लेकर फिर से बच्चों में ही आपस में ही ये मारपीट की ऐसी घटना हुई है। तो अब इसमें पुलिस इसको संज्ञान लेके इसमें जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई है वो कर रही है। परिजनों का कहना है फायरिंग भी करी गई? देखिए, जहाँ की मैंने आप यहाँ पे, मैं विद्यालय में ही हूँ, यहाँ के सभी लोगों से मैंने पूछताछ करा, घटना विद्यालय के जस्ट बाहर की है, और यहाँ सभी लोग इस बात से मना कर रहे हैं। तो अभी तक ये फायरिंग की सूचना या फायरिंग की जो घटना है वो बिल्कुल संदिग्ध लग रही है, लेकिन अगर इसमें कोई साक्ष्य पाया जाता है तो उस हिसाब से भी कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग इसमें गिरफ्तार कर गए हैं और अग्रिम क्या करेंगे? देखिए, अभी इसमें जो नाबालिग होते हैं उनमें
लीगल तरीके से गिरफ्तारी उसको नहीं कहते हैं। तो अभी पूछताछ की जा रही है, जब घटना की सभी तथ्य और सभी सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी तो उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।